तूने मेरा सब कुछ छीना है ना विराट, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। अगर तू चाहता है कि तेरे किए की सजा तेरी बीवी को ना मिले, तो श्रुति और मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दे, नहीं तो इसकी लाश तेरे पास भेजूंगा। अरे क्या मिली भगत चल रही तुम दोनों में, बताओगे क्या सही की कोई खबर आई है? हाँ। क्या? मैं जानता हूँ कि सही कहाँ होगी। कहाँ है सही? वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं सही को सही सलामत वापस लाऊंगा। विराट मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? वो देखने की कोशिश क्यों नहीं की जो मुझे दिखाना चाहते थे? क्यों नहीं? दादा, प्लीज, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। समझने की कोशिश करो जो मैं कह रही हूँ। मैं समझने की कोशिश करूँ? मुझे गलतफहमी हुई है। अरे इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद भी तुम ये बोल रही हो कि श्रुति और उसके बीच में कुछ नहीं है? हाँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी अभी कहा है वो सब जानने से पहले मुझे भी वही लगता था जो अभी तुम्हें लग रहा है। मैं एक छोटे से हिस्से को पूरी तस्वीर मान रही थी, लेकिन सच कुछ और ही है। जब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि विराट सर तो सिर्फ अपना वादा पूरा कर रहे थे, वो श्रुति की मदद कर रहे थे ताकि वो अपने दोस्त। एक बार और उस धोखेबाज को मेरा दोस्त मत बोलना तुम। एक बात तो समझ में आ गई आज, प्यार में सच में आदमी एकदम अंधा हो जाता है। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, एक दूसरी औरत के लिए तुम्हें छोड़ दिया, उसकी वजह से तुम यहाँ हो, फिर भी उसके प्यार में डूब के उसकी वकालत करे जा रही हो। कितनी अजीब बात है, तुम्हारी कैद में आकर मुझे मेरी गलत सोच से रिहाई मिली है। अच्छा हुआ तुमने मुझे किडनैप किया। अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो मुझे सच का कभी पता ही नहीं चलता कि श्रुति और साहस मेरा चल की जिम्मेदारी है, उनकी फैमिली नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि एक वादा निभाने के लिए विराट इतना कुछ करेगा? मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा ही एक वादा विराट सर ने मेरे आबा को किया था और मैंने खुद देखा है। उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर मुसीबत का सामना किया, पूरी दुनिया के खिलाफ गए सिर्फ एक वादे के लिए। तुम सुन रहे हो? बस एक शब्द और बोला उस धोखेबाज की तरफदारी में ना, जान ले लो तुम्हारी। ले लो जान, लेकिन प्लीज मेरी एक बार बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है, तुम और मैं दोनों मिलके श्रुति और विराट सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। बेवकूफ लिखा है क्या मेरे माथे पर? हाँ, मैंने भी बहुत प्यार किया था अपनी बीवी से, बहुत भरोसा किया था उस पर, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट चुका है। नहीं, पर्दा तो मेरी आंखों में पड़ा था जो उठ चुका है। मैं सिर्फ विराट सर के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। मैं कम सर। कम इन। Jain sir, I'm reporting for duty, sir.
लेकिन तुमने तो ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, अब क्या हुआ? सर, सदा ने सही को किडनैप कर लिया। क्या सदा जिंदा है? अरे लेकिन उसने सही को किडनैप क्यों किया? सर ये सब समझाने का वक्त नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। बस इतना जान लीजिए कि सदा की बॉडी गायब नहीं हुई थी, वो जिंदा था और वो खुद हमारी कस्टडी से भागा था और अब वो बदला लेना चाहता है। सर अगर उसे बदला लेना था तो तुम पर हमला करता, हम पर करता। सारे ऑर्डर तो मैंने पास किए हैं ना। सर एक बार मैं सही को बचा लूं उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझा लूंगा, लेकिन सर उससे पहले आपको मुझे ऑर्डर देना होगा सही को बचाने का, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा सर। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं, पर एक पति होने के नाते। पति? सही का और तुम्हारा डिवोर्स हुए 1 साल हो गया और तुम कह रहे हो पति के नाते बचाना चाहता हूँ? पिछली बार जब सही डिवोर्स के पेपर सबमिट करने आई थी तो तुमने उसे क्या क्या नहीं कहा था? तुम उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। अब तुम कह रहे हो उसकी जान खतरे में, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी तुम्हें कैसे सौंप दूं? इतने सेंसिटिव मैटर में तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं मैं? नहीं, मैं दूसरी टीम भेजूंगा। सॉरी सर, मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ चीजें देखी हैं और सुनी भी हैं। आपने मेरे बर्ताव में भी कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये वक्त ये जानने का नहीं है कि किसने क्या कहा है, किसने क्या किया है। सर प्लीज, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, सही को बचाने का ऑर्डर दे दीजिए मुझे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हें पता सही कहाँ है? जी सर मैं जानता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। सदा चाहता है कि मैं वहां जाऊं। सही को बचाने का एक ही तरीका है कि मैं इस मिशन को लीड करूं। सर अगर मैं वहां नहीं गया तो सदा कुछ भी कर सकता है। सर इसीलिए मैं यहाँ पर सिविलियन कपड़ों में आपके पास आया हूँ, ताकि उसे और उसके आदमियों को कोई शक ना हो, वो अलर्ट ना हो जाए। सर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, सही वक्त पर फोर्स भेज दीजिएगा सर, तब तक मैं सिचुएशन को संभालने की कोशिश करूंगा। सर अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है तो सही की जान और खतरे में पड़ जाएगी। सर सर प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, हाथ जोड़ रहा हूं मैं सर, प्लीज परमिशन दे दीजिए। ओके, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। लेकिन एक बात याद रखना, ये आखिरी बार है जब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड सर, एक बार मैं ये मिशन पूरा कर लूं मैं आपको पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, फिर आपको मुझ पर जो इंक्वायरी बिठानी बिठा दीजिएगा सर। बस एक बार मैं सही को बचा लूं। दादा बाप, प्लीज प्लीज मुझे एक बार बात करने दीजिए विराज सर से, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपका कैंप कहां पर है। प्लीज प्लीज मुझे कॉल दो, प्लीज मुझे एक बार विराज सर से मिलने दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जानती हूँ मैंने ही कहा था कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन अब मैं ही आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। बाबा प्लीज प्लीज एक बार मुझे विराज सर से मिला दो, एक बार मेरी उनसे बात करा दो प्लीज, फिर चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। मेरा दिल तोड़ने की वजह अगर आप मुझे बताना चाहें तो आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। सही, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। पर अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुमने भले ही मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, लेकिन इस सिचुएशन में तुम मेरी वजह से फंसी हो और मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा।
सही है।